जबलपुर जिले के एक निजी अस्पताल में 6 साल की बच्ची की मौत को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। यहां पर अभी लगभग आधा पौन घंटे पहले सूचना मिली थी कि मालवी चौक स्थित स्टार हॉस्पिटल में कुछ लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस सूचना पर यहाँ पर आए हुए हैं, संबंधित पक्ष से बात की जा रही है। उनके कोई परिजन एडमिट थे इस हॉस्पिटल में, उनकी मृत्यु हो गई है, उसी संबंध में वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, जैसी भी साक्ष्य यदि किसी प्रकार के अपराध की मिलती है तो वैधानिक कार्रवाई। 5 तारीख को बच्ची को रात में 1 बजे के लगभग यहाँ पर एडमिट किए थे। उल्टी और हल्की पीलिया थी इसको। उसके बाद एडमिट करने के बाद 3 बजे तक, 3 के बाद वो नॉर्मल हुई, लेकिन घर वालों को किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। डॉक्टर राजीव जैन ने कहा कि बच्ची नॉर्मल है और किसी को आईसीयू में रुकने जाने नहीं देते। अगर आप लोगों को देखना है तो बाद में सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। उसके बाद वो सुबह 6 से 7 के बीच में लगभग डेथ हो गई बच्ची की। बच्ची की डेथ होने के बाद हम लोग ने बच्ची को ले गए। दो तीन दिन के बाद बच्ची की माँ ये कहती है कि हम लोगों को वीडियो देखना है, लास्ट समय बच्ची ने क्या कहा है। तो हम लोगों ने 9 जून को बच्ची की वीडियो देखने के लिए जब डॉक्टर से आग्रह किया कि हमें बच्ची की वीडियो चाहिए, सीसीटीवी फुटेज आईसीयू रूम का, तो डॉक्टर ने कहा कि कल ले लो आप। 10 जून को हम लोग आए तो 10 जून को कहते हैं कि एक दिन पहले वो फॉर्मेट हो गया, यानी कि डिलीट हो गई। फिर हम लोगों ने और मांग करे, बात करे, तो डॉक्टर अनुसार लाटगंज थाने से स्टाफ आया। स्टाफ की मौजूदगी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्राइवेट चेक किया, तो वो चेक करता है तो बोलता है आधा घंटे के पहले यहाँ से वीडियो डिलीट हुई है। फिर हम लोगों ने कंप्लेन कर दिए। कंप्लेन करने के बाद पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी से हमें आशा है ये हमें वीडियो दिलाएंगी और इसके आगे भी जांच की जाएगी। क्या नाम है बच्ची? मंसू, और बच्ची का नाम है आयशा सिद्दीका। कितने साल की थी? 6 से 7 साल की थी। आप कहाँ रहते हैं? बोहलपुर मदीना मस्जिद के पास। आपका नाम? मंसूर अहमद अंसारी।